सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बातें करेंगे पोको F3 Pro के बारे में। फाइनली ग्लोबल मार्केट के अंदर पोको F3 Pro को लॉन्च कर दिया गया है, और जिस प्राइस में, जो फीचर के साथ लॉन्च हुआ है ना पोको F3 Pro, सच में कमाल का स्मार्टफोन होने वाला है। गाइस, अगर आप भी एक पावरफुल गेमिंग स्मार्टफोन के लिए वेट कर रहे होंगे, सो दोस्तों पोको F3 Pro डेफिनेटली सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अंडर 25,000 प्राइसिंग रेंज में। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बातें करेंगे इसी पोको F3 Pro की लॉन्च डेट, प्राइस और दोस्तों स्पेसिफिकेशन, सब कुछ डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और एक लाइक भी कर लेना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम लोग जो है बातें कर लेते हैं पोको F3 Pro की परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि पोको F3 Pro एक बेसिकली जो होगा गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है। स्नैपड्रैगन 870G 5G चिपसेट के साथ जो है इस फोन का चिपसेट दिखने को मिलेगा, और लास्ट ईयर 865 से ना 870 जो 5G चिपसेट है ये ऑलमोस्ट 25% फास्टर होगा। एंड गाइस, यहाँ पे एड्रीनो 650 का जो है GPU दिखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे UFS 3.1 स्टोरेज टाइप एंड LPDDR5X रैम टाइप के साथ आप लोगों को जो है 6 128GB 8 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। इसी के साथ 6.67 इंच एक सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो कि सैमसंग के तरफ से E4 AMOLED डिस्प्ले होगा। 120Hz रिफ्रेश रेट, 360Hz ऑफ टच सैंपल, साथ ही साथ यहाँ पे 1300 nits का पिक ब्राइटनेस मिलेगा, जो कि काफ़ी ब्राइट होता है। साथ ही साथ HDR10+ का सपोर्ट मिलेगा, फुल HD+ रेजुलेशन। एंड गाइस, यहाँ पे सेंटर पंच होल डिस्प्ले डिज़ाइन के साथ पोको F3 Pro का डिस्प्ले जो है दिखने को मिलेगा। जो डिस्प्ले है ना काफ़ी प्रीमियम होने वाला है, काफ़ी हद तक जो है फ्लैगशिप टाइप का आपको डिस्प्ले जो है इस फोन के साथ दिखने को मिल जाता है। हालांकि यहाँ पे आप लोगों को AMOLED डिस्प्ले मिलता है, लेकिन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट नहीं मिलेगा। साइड माउंटेड फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ ही लॉन्च हुआ है पोको F3 Pro। और यहाँ पे 4520mAh बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्जिंग इन दी बॉक्स ही मिल जाता है, जिसको आप चार्ज कर पाओगे 52 मिनट के अंदर 0 से लेकर 100% पूरा जो है आप 33W चार्जर के मदद से पोको F3 Pro को 100% चार्ज कर पाओगे। साथ ही साथ अगर बातें करेंगे कैमरा के बारे में, जो कि इतना भी खास फीचर नहीं होने वाला है पोको F3 Pro के अंदर, क्योंकि बाकी सभी स्पेसिफिकेशन को काफ़ी हद तक बढ़ाया गया है, लेकिन कैमरा यहाँ पे अब की बार आप लोगों को जो है बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड मिलेगा। 48MP मेन प्राइमरी शूटर के साथ, साथ ही साथ यहाँ पे 8MP एक्स्ट्रा वाइड एंगल एंड 5MP का एक मैक्रो सेंसर दिखने को मिल जाता है। फ्रंट फेसिंग कैमरा ठीक ठाक है, 20MP सिंगल सेल्फी शूटर कैमरे के साथ मिलेगा। चलिए फाइनली बातें कर लेते हैं पोको F3 Pro की प्राइस एंड लॉन्च के बारे में, कब ये फ़ोन इंडिया के अंदर लॉन्च होगा, कितना प्राइस हो सकता है इंडिया के अंदर। दोस्तों यहाँ पे अप्रैल या तो फिर मई महीने के अंदर ही इंडिया के अंदर आ जाएगा पोको F3 Pro, और जो प्राइसिंग निकल के आया है ना पोको F3 Pro इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है बेस वेरिएंट स्टार्टिंग अंडर 25,000 के आसपास में। लगभग से आप लोगों को 24 से लेकर 25,000 प्राइसिंग रेंज में इस फोन का 6 128GB वेरियंट दिखने को मिल जाएगा। सो मुझे जहाँ तक लगता है डेफिनेटली पोको F3 Pro के लिए ना एक बार वेट कर लेना। बाकी आप लोगों को क्या लगता है पोको F3 Pro के बारे में नीचे कमेंट्स करके जरूर से मुझे बताना। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।